हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ फिर से अभी एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है सामने पोको M3। आज के इस वीडियो में आपको पोको M3 का गेमिंग रिव्यू कर बताऊंगा और आपको बताऊंगा इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। अगर आप इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको पोको M3 में मिलता है स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर, अच्छा प्रोसेसर है। और देखते हैं किस तरह का आपको गेमिंग एक्सपीरियंस पोको M3 में मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे मैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम प्ले कर बताऊंगा। तो यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलते हैं तो क्या डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स आपको पोको M3 में मिलती है? तो यहाँ पे आपको सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करना है, देन ऑडियो एंड ग्राफिक्स। तो यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स क्वालिटी है आपको लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई का भी ऑप्शन मिलता है। फ्रेम रेट में आपको लो, मीडियम का और हाई का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब जो यहाँ पे हम गेम प्ले करेंगे तो उसमें गायरोस्कोप ऑन होगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टीम डेट मैच खेलकर बताऊंगा ताकि जल्द से जल्द आप इसका गेमिंग परफॉर्मेंस देख सकें।
यहाँ पे आपने देखा हमें मिल चुकी थी विक्ट्री। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। पोको M3 में आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। जेन्यूनली मुझे ज़्यादा लैग वगैरह का इशू तो नहीं लगा ड्यूरिंग गेम प्ले। लाइव मैंने आपको यहाँ पे गेम प्ले कर बताया है, जो ग्राफिक्स क्वालिटी थी वो हाई थी और फ्रेम रेट मीडियम था। गायरोस्कोप भी काफ़ी अच्छे से काम करता है पोको M3 में, डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी पे। एज ए गेमिंग के लिए मैं आपको पोको M3 रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे बड़े गेम्स आसानी से इस फोन में खेल सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।